Hi, everyone. I'm Geraldine. I hope you all are doing well and keeping safe. Welcome to the Daily Market Analysis. Well, it was quite an interesting trading session today और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक क्विक मार्केट आउटलुक की and हम डिस्कस करने वाले हैं Nifty and Bank Nifty के लिए ट्रेडिंग प्लान फॉर द लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक. That's Friday. 8th of September 2023. हम कुछ स्टॉक सेटअप्स की भी बात करने वाले हैं जिनमें काफी फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक एंड मेक श्योर दैट आगे बढ़ने से पहले यू गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल नोटिफिकेशन बेल को रिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट चलिए विदाउट एनी फर्दर डू शुरू करते हैं आज का वीडियो विद द डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी 50। निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर हमें अगस्त फर्स्ट वीक से एक साइडवेज रेंज में यहां पर कंसोलिडेशन मूव देखने को मिल रहा है और अगर हम इस रेंज के लोअर एंड की बात करें तो आप देख सकते हैं दैट के लेवल से हमें निफ्टी में एक काफी अच्छा सपोर्ट एक्शन या फिर बेस फॉर्मेशन देखने को मिला है नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट निफ्टी में हमें इस रेंज के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है विच सिंपली मीन्स दैट दिस कंसोलिडेट Might be to an end. And जैसे हम पिछले कुछ से करते हुए आ रहे हैं one, हमारे पास, में, एक कल के ब्रेक ऑफ दिसर नेकलाइन हमारे पास एक हारमोनिक पैटर्न भी ट्रिगर हो चुका है जिसके चलते हम निफ्टी मेंंड्रेड एट तक के लेवल का टेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन क्लियरली सी ओवर ट्रेडिंग सेशन हमें काफी अच्छा पॉजिटिव मूव देखने को मिला है इन निफ्टी

And let's say that over here, if we do see a pullback, then it might really be a good opportunity to add on.

सेशन एंड देर आफ्टर आप देख सकते हैं ब्रेक आउट ऑफ दिसल ऑफ नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी में एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है ना ओवर हीस चलिए उनकी बात करते हैं नंबर वन आप यहाँ पर देख सकते हैं पुल बैक है. so, देखने को मिलता है ऑन द डाउन साइड इन दैट केस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं

दैट अगर हमें निफ्टी में स्ट्रेट अवे इस पर्टिकुलर लेवल का एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है द लेवल ऑफ नाइन थाउजेंड सेक्ट कर सकते हैं हमें निफ्टी में एक हायर साइड पे ट्रेजेक्ट्री कॉन्टिन्यू करते हुए दिख सकती है टू वर्ड द लेवल्स ऑफ नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी फाइव जैसे की हमने डेली टाइम फ्रेम पर भी डिस्कस किया है एंड वेल लेट्स टॉक अबाउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिटेंस लेवल की बात करें तो दपोर्ट इज प्लेस एट नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी फाइव फॉलोड बाई नाइनटीन थाउजेंड 585 हंड्रेड एटी फाइव एंड द रजिस्टेंस इज प्लेड एट नाइनटीन फॉलोड बाय 19,900 बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम से शुरुआत करें तो आप देख सकते हैं काफी वाइड रेंज में बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है पर्टिकुलरली फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 43,950 थ्री टू द लेवल्स ऑफ फोर्टी अब हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था दैट अगर बैंक निफ्टी होल्ड करता है द लेवल ऑफ 44,200 देन इट माइट जस्ट बी मूव के चलते हमें वंस अगेन एक ट्रेंड रिजम्पन या फिर कॉन्टिन्यूएशन ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकता है एंड यू कैन क्लियरली सी दैट हमें बैंक निफ्टी में इस मल्टी डे हाई का अलोंग विद द रेंज हाई एक ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड आप देख सकते हैं that हमें एक काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन बैंक निफ्टी में आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है नाउ डिसी में ये कंसोलिडेशन फेज ओवर हो चुका है और क्या बैंक निफ्टी यहाँ से और हायर लेवल्स को टेस्ट कर सकता है वेल स्टेट यूनिट टू फाइंड आउट अब अगर हम करंट लेवल्स की यहाँ बात करें तो अगर हमें बैंक निफ्टी में एक फॉलो थ्रू मूव ऑन द हायर साइड देखने को मिलता है देन बैंक निफ्टी कैन टेस्ट द लेवल्स ऑफ फोर्टी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड एंड दिस लेवल में ट सपोर्ट लेवल की हमने पिछले कुछ

टेस्ट कर सकता है एंड यू कैन क्लियरली सी दैट विद द ब्रेकआउट इन टूडेज ट्रेडिंग सेशन हमें एक काफी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला जिसके चलते बैंक निफ्टी ने एज एंटीसिपेटेड प्रीवियस को टेस्ट किया नाउ मूविंग फॉरवर्ड अगर हम डिस्कस करें द अप्रोच फॉर देन यू कैन क्लियरली सी दैट अगर हम लोज से बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बैंक निफ्टी में एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला विच वॉज फॉलोड बाय अ ऑन डाउन साइड एंड द सेम केस हैज फॉलोड ओवर हियर एज वेल के मार्केट नेवर मूव इन अट्रेट लाइन

pullback might extend to the levels of 44,585 as well. So in that case, हम एक support zone को refer कर सकते हैं from the levels of 44,585 to the levels of 44,655. And well, let's just say that अगर हमें कोई भी pullback move नहीं देखने को मिलता है and bank nifty straight away इस day high का हमें breakout देता है, even in that case हम यहाँ पर long side के trades को plan कर सकते हैं. But once again, जो भी हमें opportunities pullback पर मिलती हैं, they really offer favorable risk

एंड आज के ट्रेडिंग सेशन में द स्टॉक वॉज अपलमोस्ट फाइव परसेंट नाउ एट दिस पर्टिक्यूलर काउंटर इट विल बी बेस्ट टू ट्रेल द गेन्स इन के स्टॉक रूल ओवर नेक्स्ट अगर हम बात करें इन दिसन बैंक की ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लियरली सी दैट हमें स्टॉक में फ्राम द मिड ऑफ जुलाई एक काफी वाइड रेंज में साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा था एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट हमें स्टॉक में पॉसिबली एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है अबब दिस लेवल ऑफ फोर्टीन हंड्रेड फोर्टी टू फोर्टीन हंड्रेड फोर्टी टू सो अगर हमें स्टॉक में अब द लेव दैट वी जस्ट मैंशन कोई भी ब्रेकआउट मूव यहां देखने को मिलता है देन इन दैट केस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट स्टॉक में हमें एक काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड रिजांप्शन देखने को मिल सकता है जिसके चलते द स्टॉक माई ट्री क्लेम प्रीवियस हाइड द नेक्स्ट वन इज टेक महिन्द्रा ऑन द डेली टाइम फ्रेम आप इस स्टॉक के चार्ट पर काफी क्लियरली देख सकते हैं फ्रॉम द मिड ऑफ जुलाई फ्रॉम द हाइज काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला है एंड देर आफ्टर इट वॉज फॉलोड बाई अ क्विक एंड स्ट्रॉन्ग रिकवरी ऑन द हा साइड देर आफ्टर आप देख सकते हैं दैट हमें स्टॉक में एक रिप्लेसमेंट मूव यहाँ पर देखने को मिला है एंड वंस अगेन स्टॉक वेडिंग वेरी क्लोज टू दिस रेजिस्टेंस लेवल अब आप देख सकते हैं दैट आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें इस पर्टिकुलर पैटर्न का एक ब्रेक ब्रेकआउट देखने को मिला है नाउ डू लेट मी नो इन दॉमेंट्स डाउन बिलो दैट विच पैटर्न डू यू थिंक दिस इज अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं हमें इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का प्लस इनसाइड बार हाई का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है नाउ ओवर हियर अगर स्टॉक कंटिन्यू करता है टू होल्ड द लेवल्स ऑफ 1255 देन हमें यहाँ पर वंस अगेन एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम ओपन होते हुए दिख है है एंड अगर हम इस केस में एक इन्वेलीडेशन लेवल की बात करें तो वो लेवल रहेगा ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी फाइव का चलिए बात करते हैं बजाज फिंजर्व की ऑन द डेली टाइम फ्रेम जहाँ आप देख सकते हैं दैट हमें स्टॉक में फ्रॉम द हाइज ऑफ अबाउट फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव एक काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिल रहा है एंड अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पैटर्न की जो यहाँ लोज पर डेवलप हो रहा है तो यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज नथिंग बट एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जहा पर हमारे पास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द लेफ्ट शोल्डर फोलोड बाय द हेड एंड द राइट शोल्डर राइट हीयर अब अगर हमें इस पर्टिक्यूलर स्टॉक में एक ब्रेकआउट मूव देखने को मिलता है अब ये एक वैलिड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा जिसके चलते हमें स्टॉक में वंस अगेन फिफ्टीन हंड्रेड सिक्स के लेवल्स का एक टेस्ट देखने को मिल सकता है एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो हमारे पास जो राइट शोल्डर का लेवल रहता है वो एक इनवेलिडेशन लेवल की तरह सर्व करता है सो ओवर द इनवेलिडेशन लेवल कैन बी प्लेस्ड एट द लेवल्स ऑफ फोर्टीन हंड्रेड एंड जस्ट इन केस अगर हमें इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कोई भी इनवेलिडेशन देखने को मिलता है देन वी कैन से कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न ट्रेड कर सकते हैं एंड वेल दैट इज द ब्यूटी ऑफ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न वेल देर वॉज अ क्वेरी ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज चलिए यहाँ पर अब हम रिलायंस के एक ओवरव्यू को डिस्कस करते हैं ऑन द डेली टाइम फ्रेम आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमें स्टॉक में एक मेजर सपोर्ट लेवल का यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था एट द लेवल फोर हंड्रेड सिक्सटी जिसके चलते आप देख सकते हैं दैट स्टॉक में हमें एक बैरिश मोमेंटम ओपन अप होते हुए दिखा देर आफ्टर एट द लेवल्स ऑफ ट्वेंटी फोर हंड्रेड यू कैन क्लियरली सी दैट हमें एक काफी अच्छा सपोर्ट एक्शन देखने को मिल रहा है एंड द स्टॉक क्रिएटेड एनी न्यू ओवर हियर नाउ एट द करेंट लेवल्स यू कैन क्लियरली सी दैट हमें मल्टीपल रिजेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं स्टॉक में फ्रॉम द लेवल फोर हंड्रेड फोर्टी यानी कि अगर हमें स्टॉक में ट्वेंटी फोर फोर्टी ब्रेकआउट है हमें का देखने को मिल सकता है अगर हम इस काउंटर में एक इन्वेडेशन लेवल की बात करें तो दिस रिसेंट लो एट द लेवल ऑफ ट्वेंटी फोर हंड्रेड कैन बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेडेशन लेवल अगर हम एच डी एफ सी बैंक की बात करें ऑन द डेली टाइम फ्रेम देन ओवर यू कैन

Let's call it a day, and I hope that you found today's video informative and chalagaho. So make sure that you give this video a thumbs up and do subscribe to my channel. And on that note, it's Gurleen signing off. Until we meet again, have a good time.